इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 18वां सवाल। बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? A4, B6, C8 या D9? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। अब आईपीएस स्वप्ना जी मेश्राम के हाथों में नौगछिया पुलिस की कमान। नौगछिया पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आईपीएस स्वप्ना जी मेश्राम ने नौगछिया पुलिस की कमान को संभाल लिया है। आने के साथ उन्होंने नौगछिया पुलिस जिला में कोरोना के विरुद्ध जंग का ऐलान करते हुए पहले पुलिस कर्मियों को इससे बचने की नसीहत दी, फिर सघन मास्क चेकिंग और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश पुलिस कर्मी को दिया है। निर्देश के साथ ही पुलिस जिले में असर भी दिखने लगा है। आईपीएस स्वप्ना जी ने कहा कि भागलपुर जिला और नौगछिया पुलिस जिला की पुलिस के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर वे आए दिन विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम पर भी नियंत्रण पाने का प्रयास करेगी। सोमवार की सुबह 10 बजे नौगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। नए एसपी के पदभार ग्रहण करने के बाद नौगछिया वासियों ने उनका स्वागत किया है। नौगछिया वासियों ने उनके योगदान के बाद अपराध पर नियंत्रण होने एवं एक बेहतर विधि व्यवस्था कायम होने की उम्मीद व्यक्त की है। वहीं एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने कहा कि नौगछिया में अपराध पर नियंत्रण करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नौगछिया की पूर्व एसपी निधि रानी को समारोह पूर्वक दी गई विदाई। लायंस क्लब ऑफ नौगछिया टाउन के द्वारा नौगछिया की पूर्व एसपी निधि रानी को एक सादे समारोह में विदाई दी गई और सम्मानित भी किया गया। मौके पर निधि रानी के साथ उनके पति आईपीएस अमनदीप की भी उपस्थिति थी। सम्मान समारोह में लायन अजय रुंगटा द्वारा अमनदीप को एवं लाइनेस आशा सराफ द्वारा निधि रानी को दुपट्टा से सम्मानित किया गया। फिर क्लब सदस्यों द्वारा लायंस क्लब की ओर से क्लब मोमेंटो सम्मान चिन्ह के रूप में पूरे आदर पूर्वक भेंट किया गया। मौके पर सम्मान समारोह में स्वागत संबोधन में लायन अजय कुमार उंगटा ने उनकी सरलता, कर्तव्य निष्ठा, कार्यकुशलता एवं अपने काम के प्रति सजगता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर सबों को उत्साहित करने एवं मार्गदर्शन के रूप में अपना जो योगदान दिया उसके लिए सबों के लिए आभार व्यक्त किया। मौके पर लायन डॉक्टर बी एल चौधरी, लायन डॉक्टर ए के केजरीवाल, बालकृष्ण पंसारी, सचिव लायन सुहास चंद वर्मा सहित कई अन्य उपस्थित थे। गंगा के जलस्तर में 8 सेंटीमीटर की कमी, विभिन्न स्तरों पर दबाव कायम। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 8 सेंटीमीटर की कमी होने के कारण सोमवार की शाम इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी 31.07 मीटर पर बह रही है। जलस्तर में कमी होने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर पानी का दबाव बना हुआ है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अभी स्तर पूरी तरह से सुरक्षित है और एहतियातन सभी स्तरों पर बालू भरी बोरियों व बालू भरा जियो बैग व बम्बो रोल रखा गया है। बिहपुर विधानसभा का वर्चुअल रैली संपन्न, बोले ललन सिंह, तेजस्वी युवाओं को नुक्सा बताए 10,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाए। बिहपुर विधानसभा का जदयू का वर्चुअल सम्मेलन बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सम्मेलन को राज्यसभा सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, मंत्री मदन सहनी, मंत्री महेश्वर हजारी और पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन ने संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि बिहार के विकास की जितनी बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींची है उसकी कल्पना 2005 से पहले किसी ने नहीं की थी। बिहार में दहशत के माहौल के सिवा कुछ नहीं था। नौगछिया में 3 पुलिस एवं 1 बिजली विभाग के कर्मी कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया में सोमवार को 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज में 3 पुलिसकर्मी व 1 बिजली विभाग के कर्मी शामिल हैं, जिसमें रंगरा थाने के 1, पर्वता थाने के 1, उपकारा नौगछिया के 1 एवं बिजली विभाग के कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि 4 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सभी लोगों का सैंपल 17 जुलाई को लिया गया था। पॉजिटिव आए मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड-19 सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया के रंगरा में बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी। चार स्थानों पर सामुदायिक रसोई। गंगा व कोसी नदी के संभावित बाढ़ की तैयारी रंगरा प्रखंड में पूरी कर ली गई है। अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार राम ने बताया कि चार स्थानों पर सामुदायिक रसोई बाढ़ के दौरान संचालित किए जाएंगे। कटरिया रेलवे स्टेशन स्थित सामुदायिक रसोई का प्रभार प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार को। प्राथमिक विद्यालय मधरौनी NH स्थित सामुदायिक रसोई का प्रभार प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी धीरज कुमार को। विनोबा उच्च विद्यालय तिंटेगा दियारा स्थित सामुदायिक रसोई का प्रभार BAO विनोद कुमार को दिया गया है। इसके अलावा CDPO को प्रखंड मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि 22 गोताखोर व 8 पंजीकृत नाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत रहेगी। नवगछिया में चलाया गया सघन मास चेकिंग अभियान। नवगछिया SP स्वपराजी मेश्राम के निर्देश पर सोमवार को नवगछिया शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नवगछिया थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष हरिशंकर कश्यप के नेतृत्व में नवगछिया शहर सहित NH 31 पर वाहनों की जांच की गई। इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने मास्क के साथ साथ सुरक्षा जाँच भी किया। गोपालपुर 7 करोड़ की लागत से बने पुल के पहुँच पथ पर आई दरार। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय इस्माइलपुर को नवगछिया अनुमंडल से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से लक्ष्मीपुर के निकट पिछले वर्ष पुल के साथ संपर्क पथ की निर्माण हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, परंतु निर्माण के कुछ महीनों बाद ही संपर्क पथ में दोनों तरफ दरार आने से बाढ़ व बरसात के दौरान संपर्क पथ के बह जाने का भय ग्रामीणों को सताने लगा है। ग्रामीण मुकेश सिंह, राजेश कुमार, विनोद कुमार, नारायण यादव सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल के बनने से इस्माइलपुर ही नहीं गोपालपुर व नवगछिया प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। बताते चले कि पूर्व में यहां लोहे का जंजर पुल था जो बाढ़ के दिनों में डूब जाया करता था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना अभियंता इंजीनियर राम श्रेष्ठ राय ने बताया कि पहुंच पथ में हुए दरार की जांच कर दुरुस्त करवा दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संपर्क पथ को ध्वस्त नहीं होने दिया जाएगा। राजद नेताओं ने ली कटाव पीड़ितों की सुध। सोमवार को राजद के जिलाध्यक्ष अलर रंजन पासवान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दल बनाकर इस्माइलपुर प्रखंड के पूर्वी भिट्ठा पंचायत में कटाव पीड़ितों की सुदली और चल रहे कटाव का जायजा लिया। जायजा लेकर राजद के जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान ने कहा कि स्थिति काफी विकट है और सरकार का इस पर कोई खास ध्यान नहीं है, जिससे पता चलता है कि सरकार को जनमानस की तनिक भी फिक्र नहीं है। वहीं निरीक्षण के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एक मांग पत्र जारी करते हुए सरकार और प्रशासन से मांग किया है कि पंचायत के छट्टू सिंह टोला से नवटोलिया तक का रोड कटाव के मुहैने पर है, इसे बचाने के लिए तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। ढोलबज्जा में बिना मास्क लगाए लोगों से कदुआ व ढोलबज्जा पुलिस ने 3950 रुपए का चालान काट वसूले जुर्माना। लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर कदुआ व ढोलबज्जा पुलिस सब एक्शन में आ गई है। सोमवार को कदुआ पुलिस के साथ थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने थाना चौक एवं मिलन चौक पर चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए घूम रहे बाइक सवार दुकानदार व अन्य राहगीर समेत 55 लोगों से 3250 का चालान काटकर जुर्माने वसूले हैं। वहीं ढोलबज्जा थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद रमन ने भी 700 रुपए का चालान काट जुर्माने वसूल किए हैं। नवगछिया के महदतपुर ढाला के पास रेलवे ट्रैक से अज्ञात अधेड़ का शव बरामद। नवगछिया पुलिस ने सोमवार को रेलवे ट्रैक के मध्य से एक अज्ञात अधेड़ का शव बरामद किया है। शव की बरामदगी नवगछिया स्टेशन के महदतपुर रेलवे ढाला के 1 किलोमीटर पश्चिम दोनों रेलवे ट्रैक के बीच में बरामद किया है। शव बरामद होने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं नवगछिया थाना अध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि सोमवार की सुबह सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के बीच एक शव है। नारायणपुर में आमने सामने टक्कर में ट्रक चालक जख्मी, प्राथमिकी दर्ज।
नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 पर आमने सामने टक्कर में खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत पटराहा निवासी ट्रक चालक मनोज मंडल जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भवानीपुर पुलिस ने जख्मी चालक मनोज मंडल का प्राथमिक उपचार PSC नारायणपुर में कराया। PSC के डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताया है। घटना को लेकर जख्मी चालक ने भवानीपुर OP में ट्रक संख्या BR1G 7650 के चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की कराई है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। गंगा नदी में डूबे छात्र का दूसरे दिन भी नहीं मिला शव। नारायणपुर प्रखंड के बैकंठपुर दुधेला पंचायत के मुंशीपट्टी गंगापुर निवासी कालीचरण दास के पुत्र रवि रंजन 12 वर्षीय का परिजनों के साथ परवल तोड़े जाने के दौरान रविवार को लगभग 12 बजे गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे समाजसेवी रवि सुमन उर्फ अरुण मंडल के नेतृत्व में ग्रामीण एवं प्रशासनिक स्तर पर शव खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन सोमवार की देर शाम तक खबर लिखे जाने तक शव नहीं मिला था। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।